शाहरुख से बादशाह ने कही ऐसी बात, किंग खान के हाथ से छूटा खाना। सफाईगिरी अवार्ड्स 2019 कार्यक्रम में रैपर बादशाह शामिल हुए। यहां रैपर बताया कि उन्होंने बादशाह नाम शाहरुख खान से इंस्पायर होकर रखा था। बादशाह ने किंग खान की तारीफ भी की। जाने क्या हुआ था जब रैपर ने शाहरुख खान को अपने बादशाह नाम रखने के पीछे की वजह बताई थी। इंडिया टुडे के सफाईगिरी अवार्ड्स 2019 कार्यक्रम में रैपर बादशाह शामिल हुए। यहां रैपर बताया कि उन्होंने बादशाह नाम शाहरुख खान से इंस्पायर होकर रखा था। बादशाह ने किंग खान की तारीफ भी की। जाने क्या हुआ था जब रैपर ने शाहरुख खान को अपने बादशाह नाम रखने के पीछे की वजह बताई थी। उन्होंने कहा, मैं शाहरुख से मिला हूँ, उनके साथ काम नहीं कर पाया हूँ। जब मैं उनसे मिला तो वो खाना खा रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना नाम बादशाह उनकी वजह से रखा है, तो उनके हाथ से खाना छूट गया। जब मैं उनके घर से निकल रहा था तो वे आपके लिए दरवाजा खोलते हैं। वे काफी हम्बल इंसान है। लोग गलत कहते हैं कि नहीं, ये एक्टिंग करते हैं। वो इतने बड़े इंसान हैं कि उन्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लिरिक्स की आलोचना पर बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा, लिरिक्स पर सवाल किए जाते हैं और ये जरूरी भी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही जरूरी हैं। ये सब्जेक्टिव है। हमारे जॉनर को कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। हम जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं सोचते। उम्र के साथ समझ भी बढ़ती है। यंगर डेज के दौरान मैं ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन अब सोचता हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जैसा सॉन्ग अब मैं नहीं बना सकता, अब मैं वैसी पार्टी भी नहीं करता। मेरा पार्टी करने का तरीका बदल गया है। 20 मिनट में बादशाह ने कौन सा गाना बनाया था? बादशाह ने खुलासा किया कि उन्होंने सॉन्ग डीजे वाले बाबू को 20 मिनट में क्रिएट किया था। गाने की टाइटल लाइन मिलने का किस्सा बताते हुए बादशाह ने कहा, मेरे पापा हरियाणा से हैं, तो मैं अपने गांव में था। वहां आजकल भी बड़ा अजीब सा डीजे लगता है। ब्राजील गाना वहां आज भी चलता है। वहां डीजे पर अजीब गाने बज रहे थे। तभी एक उम्रदराज आंटी काफी परेशान होकर डीजे वाले के पास जाकर बोली, डीजे वाले मेरे गाना चला दे। ये लाइन मुझे वहां से मिली थी।